नमस्कार दोस्तों, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश APS यूनिवर्सिटी रीवा ने प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो रिलीज़ की है। तो आप इसमें देख सकते हैं प्रोफेसर की जो है वैकेंसियां आई हैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो उसके लिए नोटिफिकेशन है, हैंडआउट है, यानी नोटिस है। तो विज्ञापन क्रमांक कार्मिक 2022 289 दिनांक 29/3/2022 अभ्यर्थियों के लिए हैंडआउट। अब आते हैं इसमें मेन है, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नई दिल्ली के नवीनतम दिशा निर्देश रेगुलेशन का पालन करते हुए तदनुसार ही न्यूनतम योग्यताएँ अर्हताएँ वांछनीय होंगी। तो UGC के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। विभिन्न पदों विभिन्न विभागों के लिए पदों का विशिष्टीकरण निम्नानुसार है। तो जितने भी विभाग हैं उनमें कौन कौन से पद हैं, ठीक है, उसका पूरा डिटेल है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्पेशलाइजेशन क्या चाहिए, क्या डिज़ायरेबल चाहिए, वो सब डिटेल है। और ये सभी पोस्ट जो है UTD में होगा, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के लिए। तो जो पद खाली हैं, जिस विभाग में खाली हैं, उनकी पूरी यहाँ पर डिटेल है, तो आप चेक कर सकते हैं। कुछ मैं बोल देता हूँ और आप देख सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में है एसोसिएट प्रोफेसर का। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसके ऊपर एसोसिएट प्रोफेसर होता है और लास्ट में जो फुल प्रोफेसर होता है प्रोफेसर। तो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट में ऑफ AISC और आर्कियोलॉजी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की जो है रिक्वायरमेंट है। फिर है हिंदी में एज़ पर UGC नॉर्म्स, उसमें भी रिक्वायरमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में भी है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। और ये सभी जो पद हैं उन सभी के लिए UGC के नियमों के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में भी डायरेक्टर की पोस्ट है। डायरेक्टर का पद बहुत ऊपर का होता है, तो आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारा जो है आपको लगभग 10 ईयर का एक्सपीरियंस और भी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है उसको आप चेक कर सकते हैं, देन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टर के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, उसमें प्रोफेसर की ज़रूरत है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में भी ज़रूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी इस प्रकार से ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। जनरल टर्म एंड कंडीशन है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सब UGC के अकॉर्डिंग और MP गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप APSURIWA.AC.IN पर विज़िट कर सकते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट की फॉर्म का प्रोसेस क्या होगा। जी, तो APS यूनिवर्सिटी में जो भी वैकेंसी आई हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उन सभी के लिए और जितने भी पद आए हुए हैं उनके लिए फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म भरने का एप्लीकेशन का फॉर्मेट यह है, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा MP एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में भी आएगा, तो इस तरह से है, ये चीज़ें हैं और जो भी डिटेल्स है इसमें आपको पूरा फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद, ठीक है, सिग्नेचर भी है और पब्लिकेशन जो भी इसमें सब चीज़ें हैं वो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सेंड करना है। टू बी फिल्ड ऑनलाइन गर्जनों जो भी है आप देख सकते हैं, ये फॉर्म है तो आपको ये फिलअप करना है। और नेक्स्ट इसमें जितने भी बाकी डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, DLit, एनी अदर इफ, ठीक है। और इस तरह से ये फॉर्म आपका
फिलअप करना है और उसको बाकी डॉक्यूमेंट के लगा के इसमें लिखा हुआ लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर ऑन ईच ऑफ देम सेपरेटली। तो जितने भी रहेंगे डॉक्यूमेंट आप फ़ोटो कॉपी लगाएंगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड भी रहेगा, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये आपको पूरा फॉर्म भरना है और उसको फिर सेंड भी करना है, उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ आपको जी। तो इसमें आप जितने भी पोस्ट हैं या जो भी हैं उस तरह से, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कुछ जानकारियाँ मिल पाएंगी। इन सभी पोस्टों के लिए आपको क्या करना होगा, द अप्लीकेशन फॉर्म मे बी डाउनलोड थ्रू MP ऑनलाइन ऑन पेमेंट ऑफ ₹2000 फॉर जनरल OBC कैंडिडेट्स एंड ₹1000 फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। द अप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी टर्म्स एंड कंडीशन मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड मस्ट बी accompanied with MP online receipt of the amount mentioned above. Application forms must be sent speed post registered post only. तो जो भी है वहाँ डाउनलोड करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट लगा के आपको स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर करना है और उसके बाद जब भी आप ये पोस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर साफ अक्षरों में लिखना है कैंडिडेट मस्ट मैंशन application for teaching posts at the top of envelope. जो लिफाफा होगा उसके ऊपर लिखना होगा आपको application for teaching post. The application forms completed in all respects must reach to the registrar, APS University Rewa, ये पिन नंबर है, on or before 30th April 2022. ठीक है, तो 30 अप्रैल तक या उससे पहले आप जो है रजिस्ट्रार के नाम से यहाँ पर भेजें। और इसमें जैसा कि बताया गया था स्पीड पोस्ट से है ना, और रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आपको भेजना है, बाकी आप पढ़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब आते हैं कि पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पर डिटेल है कि कितने प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं, फिज़िकल एजुकेशन में है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में है, बिजनेस इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, मैथमेटिकल साइंस। अब इसमें आते हैं कि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनमें कौन कौन से पोस्ट खाली हैं और उसके अलावा कितने जनरल के हैं, कितने OBC के हैं, कितने SC/ST के हैं। तो इस प्रकार से जो है आप वैकेंसी की लिस्ट देख सकते हैं, कितने प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।